भाजयुमो मुंबई द्वारा आयोजित नव मतदाता सम्मेलन अभी 36 विधानसभाओं में संपन्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज संपूर्ण देश में 5000 से भी अधिक स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने भी मुंबई की सभी 36 विधानसभाओं में इसका भव्य आयोजन किया। पहली बार मतदाता बने 18 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवक युवती नव मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री को एक साथ 50 लाख से भी अधिक नव मतदाताओं ने सुना, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए, एक बात हम सब लोग अगर भूल रहे हो तो मैं याद कराना चाहूँगा। मोदी जी जब 2014 के चुनाव में आए और उन्होंने 272 प्लस का नारा लगाया, तब उन्होंने देश के युवाओं को 2014 में ही जगाया था और बड़े पैमाने पे देश में युवा सारे एकत्रित होकर उन्होंने युवाओं ने उनका कैंपेन चलाया, युवा वर्ग ने बड़े पैमाने पर मतदान किया और 272 प्लस का टारगेट पहली बार मोदी जी ने टच किया। उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, उसके बाद में 2019 के चुनाव में, उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन का तो भी बाकी है, ये सारे चुनाव में मोदी जी ने युवाओं को जागरूक करने का काम किया। सिर्फ युवाओं को जागरूक करने का काम ही नहीं किया तो 9.5 साल के कार्यकाल में युवाओं से संबंधित सारे योजनाओं को अमल में लाने का काम किया, युवाओं को नया दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। युवा पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से टूट गया था कि हमारा भविष्य का क्या होगा, तो दुनिया के बाजार में भारत देश का नाम रोशन करते हुए भारत देश को बहुत ऊपर के श्रेणी में लाने का काम किया उन्होंने। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से युवाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए इस प्रकार की योजना बनाई। बैंकों में से लोन देकर असंख्य युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कामों को मैं गिना सकता हूँ और युवा इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे आगे आ रहे हैं और 2024 का चुनाव फिर एक बार युवाओं के बलबूते पर हम जीतेंगे और जो भी करना है वो युवाओं के लिए करना है, ये नारा देने के लिए आज फिर एक बार नव मतदाता का उन्होंने संकल्प देकर अधिक से अधिक नव मतदाता एनरोलमेंट करे। एनरोलमेंट के बाद में वो 2024 के लड़ाई में आए, 2024 के चुनाव में मतदान करे और फिर एक बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार आएगी तो युवाओं को भी लगना चाहिए कि मेरे मतदान से मेरा सांसद जीता है, इसलिए मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। ये एक आत्मविश्वास युवाओं के मन में आए, इसलिए युवाओं से फिर एक बार रूबरू होने का काम उन्होंने किया। मैं मानता हूँ कि दुनिया के देशों में ऐसा करने वाला प्रधानमंत्री सिर्फ अपने भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिले हैं और 9 साल में जो पराक्रम उन्होंने करके दिया, हम ये बात का दावा बिल्कुल नहीं करते। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमारे से पहले भी बहुत कुछ हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, यही वो कहते हैं और हम सब लोग कहते हैं। और वो सिर्फ कहते ही नहीं तो 9.5 साल में उन्होंने करके दिखाया। 65 साल में आपने ये किया, 9.5 साल में हमने ये किया। और मैं आपको एक अंतिम बात बता देता हूँ, अब ये तो 2014 में प्रारंभ करने के बाद में 9.5 साल में इतना सारा वो कर पाए, अभी तो पूरा रेडी है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हुआ है, अब तो सिर्फ जंप करके आगे ही जाना है। आने वाले 5 साल में मोदी जी देश को इतना आगे ले जाएंगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना आगे देश को मोदी ले जाएंगे। देश को आगे ले जाने, देश के नागरिकों को आगे ले जाना, देश का आने वाले दिन का जो भविष्य है वो युवाओं को आगे ले जाना, ये उनके मन का संकल्प है और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके मन के संकल्प को पूरा करने के लिए जितना नए मतदाताओं को हम एनरोल कर सकते हैं उनको करवाने का प्रयास करना चाहिए। 2024 के कैंपेन में उनका साथ और सहयोग लेना चाहिए और उनके मन में एक आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ेगा कि मेरे वजह से चुनाव में जीत हुई है। देखिए, मैं अपने आप को और सारे देश के, भारत देश के युवाओं को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 18 से लेके 25 साल के जो नव मतदाता है युवा वर्ग और युवतियों को, खास करके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में ऐसे 5,800 ठिकानों पर
लाखों की संख्या में युवाओं को संबोधन किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भारत का प्रत्येक युवा भाग्यशाली है कि जो व्यक्ति भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर लेकर जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं जा 60% आबादी ये 35 साल के उम्र के नीचे के युवाओं की है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नई योजनाएं मन में सोचते हुए, वो भारत देश के उज्जवल भविष्य ऐसे युवा उनके बारे में चिंता करते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें संबोधन किया। इससे मेरे मन में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है। और आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील किया, खास करके युवा साथियों से, कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उसके लिए आप सजेशन दीजिए और आपके सजेशंस को मैं मान्यता देते हुए आप सबको व्यक्तिगत तौर पे बुलाकर आपको सुनूंगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में 5000 अलग अलग लोकेशंस पे मोदी जी 30 लाख से ज़्यादा युवाओं का संबोधन किया। और जो हमारे नए युवा साथी, जो नए मतदार हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले, उनको संबोधन करके उनकी जिम्मेदारी और उनकी ताकत उनको बताई और उनको बोला कि बहुत सोच समझ के आपको वोट करना है और आगे आने वाले 25 साल उनको कैसे काम करना है और अब भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और मुंबई में ये जो कार्यक्रम हो रहा है लगभग 45 जगहों पे हो रहा है और माननीय हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में, अमर भाई शाह जो हमारे जिला के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ मलाड में अपना कोली समाज हॉल में। यहाँ पे भी आपने देखा कि कितने बड़ी संख्या में लोग आए थे, लोग हॉल के बाहर रुके हुए थे, इतनी संख्या में लोग आए थे। इस चीज़ से हमको यही समझ में आता है कि आज का युवा मोदी जी को सुनने के लिए कितना अग्रसर है और उनका हाथ मजबूत करने के लिए 2024 में वो एकदम साथ में है और उनको ज़रूर वोट करेंगे, ये उन्होंने हमको प्रॉमिस करके यहाँ से गए। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम वोटर और नव मतदाता उनसे आज सीधी बात की, डायरेक्ट संपर्क किया, डायरेक्ट संवाद किया। और आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 5800 जगह पे हुआ है, एवरेज अगर हम 500 लोग भी पकड़े ना तो 25 लाख के ऊपर युवाओं ने सब जगह पे पार्टिसिपेट किया है। और विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता होंगे जिन्होंने युवाओं से डायरेक्ट संपर्क किया। और ख़ासकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं से भारतीय जनता पार्टी या देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है, क्या स्कीम्स होनी चाहिए या उनका जो व्यू है वो उन्होंने मांगा है, वो अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहाँ मिलता है, मैंने तो कहीं इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री अपने युवाओं से संवाद करता है।